Kyrie, Kyrie, day three. Fifi, go Fifi. So आ गई है हमारी बोट पीछे. हम लोग ले रहे हैं फीफी आइलैंड का टूर. टूर जैसे सिटी टूर होता है ना, यहाँ पे आइलैंड टूर है क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी बीचेस हैं और सुंदर सुंदर जगह हैं और हम सब रेडी हैं. नकुल की अपनी ब्लॉगिंग चल रही है, नारा एक्साइटेड एंड वी आर ऑल सेट. ये वो चीज़, इतना क्लियर वाटर है, इतना क्लियर फिश. वाओ, तो ऊपर से कितनी प्यारी फिश दिख रही है यार. इतना ग्रीन है, बहुत ब्यूटीफुल और क्लियर, मतलब फिश भी दिख रही है स्विम करते हुए. हाउ प्रीटी, सो प्रीटी, सो प्रीटी. देख वाटर का कलर दिख रहा है, ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन है. कंट्रास्ट में जैसे वो ब्लू माउंटेन्स हैं आइलैंड वाले, ये और इतना क्लियर है. लोग स्विमिंग कर रहे हैं क्योंकि सब बीचेस में अलाउड नहीं है. तो मैं बोल रही थी सब बीचेस में अलाउड नहीं है स्विमिंग एंड ऑल, तो जहाँ जहाँ अलाउड है वहाँ वहाँ लोग स्विम कर रहे हैं. बैम्बू पता नहीं क्यों नाम है बैम्बू आइलैंड. बैम्बू ट्रीज तो मेरे को दिख नहीं रहे, ये ट्रीज बैम्बू होते हैं, इनको बैम्बू बोलते हैं कि नहीं, आई डोंट नो. वहाँ पे एंट्री फी है, ये कोई नेशनल पार्क है और यहाँ पे एंट्री फी है 400 थाई बाट पर पर्सन. नायरा का 200 लगा क्योंकि आधा है बच्चा है, अभी हमारा आधा इंसान है. यश मिटू, सो लेट्स एंजॉय. सो ये लोगों का यूजुअली मिडिल स्टॉप होता है क्योंकि यहाँ पे खाने वाने का अरेंजमेंट है, रहने का नहीं है, बस खाने का और स्विमिंग का एंड ऑल. पर आई डिडंट ब्रिंग योर क्लोथ्स, लेकिन प्रिटी है, बहुत सुंदर है. पहुँच गए हैं बैम्बू आइलैंड की दूसरी तरफ. हमारी बोट ने उस तरफ हमको ड्रॉप किया था और पूरी बीच ही स्विमिंग के लिए ओपन है और ऐसा ऐसा कुछ कुछ ग्रीन है, वाइट सैंड है. खाने पीने का अरेंजमेंट है जैसे मैंने बताया और स्विमिंग का अरेंजमेंट है. बट हमने लिए हैं 6 beaches, 6 hours का आज पूरे दिन का पैकेज है, तो हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं. स्नॉर्कलिंग एंड ऑल वाटर एक्टिविटीज़ अगर करनी हो वो सब भी यहाँ से प्रोवाइड करते हैं. ये है फुल व्यू बीच का. एक्चुअली इस तरफ बड़ी है, काफ़ी बड़ी है. सडनली चिढ़ गया समुंदर, क्या हुआ? वो जो बोट्स खड़ी हैं दूर दूर, ये सब करवा रहे हैं स्नॉर्कलिंग.
trees and branches may fall. There is a warning. छोटा मंकी और मंकी तो है नहीं, पर हमारा मंकी खेल रहा है मंकी बीच पे। ये हमारा मंकी, ये हमारा नहीं, वो चला गया बता। तो इस बीच का नाम है मंकी बीच, सेम ही है सब, पर ये और थोड़ी प्राइवेट है और थोड़ी खूबसूरत है, मतलब लेकिन इसमें यही है, अंदर जाने का कुछ नहीं है। एक छोटा सा ये स्टॉल है, अंदर जाने का कुछ नहीं, अंदर जाने का देखने का कुछ भी नहीं है, शायद जंगल ही जंगल है। लोग राफ्ट्स लेके आ रहे हैं, अपनी राफ्टिंग कर रहे हैं, उन माउंटेन्स तक जा रहे हैं जो हम क्रॉस करके आए अभी, और स्विमिंग कर रहे हैं ऑफ कोर्स, पूरा दिन सन बाथ ले रहे हैं, और हम लोग छाया में बैठे हैं आके हम लोग छाया ढूंढ रहे हैं और छाया में बैठ जा रहे हैं। मंकी के लिए हम बनाना लाए थे, बट मंकी तो यहाँ पे है नहीं, बट जो भी है खूबसूरत है, काम है, पीसफुल है। कासल रेडी है, चलो कैसल इज रेडी। मंकी वन, मंकी टू, मंकी थ्री, थ्री मंकीज ऑन द मंकी आइलैंड। वूहू, वो फेंक दिया उसने नहीं, चश्मा तेरा, दोनों चश्मा गिरा हुआ, ले लो कपड़ा, कपड़ा ले लो तो जैसे मंकी बीच, और मंकी ने मंकी मनीषा का कोका कोला पी रहा है मनीषा कैसा लगा, बोला था बैग अपने पास रखना नायरा आपका जूस कहाँ गया? वो मंकी नायरा का जूस पी रहा है ऊपर नीचे को। ये कैसे आया देखे मनीषा, मैं बोला ना आएंगे लोग, कैसे नायरा गंदे के अच्छे हैं, आपका जूस पी लिया। तो इस ब्लॉग में आपने देखा बैम्बू आइलैंड और मंकी बीच, नेक्स्ट के आइलैंड नेक्स्ट ब्लॉग में एक्सप्लोर करेंगे। सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।